हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज जबरदस्त 25% की तेजी देखने को मिली है। जिन्होंने पेशेंटली इस स्टॉक को होल्ड किया है उनको आज काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। मान के चलिए कि उनका पेशेंस उनको आज पे कर रहा है। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियोस में हम लगातार आपको एडवाइस दे रहे थे कि डरिए घबराइए मत, पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही AGR का फैसला आया उस दिन भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि अब जो है अगर मेगा फंड रेजिंग को लेकर कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करती है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर पूरी तरह से रीरेट हो सकता है, किस तरह से मान के चलिए कि कंपनी को एक नई संजीवनी बूटी मिलने वाली है, और अब जिन्होंने ये स्टॉक ले रखा है उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल आगे कहां पर आएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर ये न्यूज आई है कि जो कल इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां पर फंड रेजिंग को लेके बोर्ड अप्रूवल दे सकता है, वहां पर Amazon और Verizon वायरलेस कैरियर जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ स्टेक बेचने को लेकर बातचीत चल रही है और कंपनी बहुत बड़ी फंड रेजिंग यहां पे कर सकती है। $4 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। फ्रेंड्स, $4 बिलियन जो कि 25,000 करोड़ से ऊपर की रकम बैठती है, जो कि इसके करंट मार्केट कैपिटल का 70-75% के आसपास। अगर इतना बड़ा फंड रेज ये कर ले जाते हैं तो वोडाफोन आइडिया के लिए समझ लीजिए कि स्टॉक पूरी तरह से रीरेट तो हो ही जाएगा और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकती है। ये जो न्यूज है ये आज आई है और कल इनकी बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग के प्लान को लेके, जिसके ऊपर स्टॉक ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। और जिस टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ₹12.10 के आसपास, 24% के आसपास के स्पर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये बात जो है आई है सामने। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो लोग इस मैटर से फैमिलियर हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो जो भी पार्टनर्स हैं जो इनको फंडिंग करना चाह रहे थे, स्टेक परचेज करना चाह रहे थे, उनकी एक क्लोज आई थी जो है AGR के वेडिक्ट को लेकर। और जैसे ही ये फैसला आया है यहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इनको अप्रोच किया और यहां पर जो है कंपनी एक मेगा फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट कल कर सकती है। ट्यूजडे को जो है AGR पर फैसला आया था जहां पर 10 साल का टाइम इनको मिल गया था AGR ड्यूज को पे करने के लिए। फ्रेंड्स, जितने भी कैलकुलेशंस यहां पर आए थे ध्यान से समझिए इस बात को, मोतीलाल ओसवाल ने भी अपनी रिपोर्ट में बोला था कि इनको लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो चाहिए होगा FY21 के लिए, जिसमें से 6,500 करोड़ के आसपास की तो कैपेक्स ही है जो आने वाले नई टेक्नोलॉजी में ये करेंगे, और बाकी स्टैट्यूटरी ड्यूज और जो AGR के ड्यूज का आउटफ्लो होगा उसको मीट करने के लिए। यहां पर अगर ये इतनी बड़ी फंड रेजिंग कर लेते हैं, इतनी बड़ी फंड रेजिंग कर लेते हैं तो कैपेक्स करने में और स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में तो कंपनी को कोई इश्यू आएगा ही नहीं। इसके अलावा फंड रेजिंग को लेके इनके और सारे काफी पाइपलाइन में है प्लान, जहां पर जो है इंडस टावर की स्टेक की सेल कर चुके हैं, जहां पर ऑप्टिक फाइबर बिजनेस को लेकर बात चल रही है, और अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है और वहां पर QIP करते हैं तो फंड बहुत बड़ा ही है, वहां पर रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस बात को समझिए कि जैसे जैसे ये फंड रेज करेंगे और स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करेंगे और आने वाले टेक्नोलॉजी में कैपेक्स करेंगे, उसी तरह से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टैरिफ हाइक भी बढ़ेगा। FY21 में लगभग 14,000 करोड़ के आसपास की रिक्वायरमेंट है, FY22 में इनको लगभग जो एनुअल आउटफ्लो होगा वो 7,000 करोड़ के आसपास का होगा इनका AGR ड्यूज का, तो 16,000 करोड़ के आसपास का इनका टोटल जो है आउटफ्लो रहेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट रहेगी एक्सपेंसिस को लेके। यहां पर जो है मैंने 3-4 ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट पढ़ी है जो AGR के वेडिक्ट के बाद आई थी, सबने यही बात बोली थी कि जो एनुअल आउटफ्लो है उसको दो ही तरह से कंपनी मीट कर सकती है, एक तो जो है सब्सटैंशियल इनका रेवेन्यू बढ़े और फंड रेजिंग कंपनी करे। यहां पर फ्रेंड्स, अगर फंड रेजिंग ये करके ले गए तो AGR जो इनका ARPU है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहां पर फ्रेंड्स, अगर इनका ARPU 180 से 200 रुपए तक चला जाता है, आप इस बात को समझिए कि एयरटेल का जो ARPU इस बार आया था 154-155 रुपए के आसपास आया था, जियो का ARPU 140-142 रुपीस के आसपास है, और वोडाफोन आइडिया का 114 रुपए के आसपास। यहां पर जो है जब ये सब्सटैंशियली टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, 4G 5G कस्टमर बेस बढ़ेगा तो ARPU तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा 10-15% की टैरिफ हाइक की बात पूरी इंडस्ट्री कर रही है, तो सब्सटैंशियली अगर ARPU बढ़ता है और कंपनी जो है
कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि टेलीकॉम में किस तरह की रीरेटिंग पीछे जियो की वजह से रिलायंस के शेयर में और भारतीय एयरटेल के शेयर में हुई है। तो नेक्स्ट टेलीकॉम का स्टार अब वोडाफोन आइडिया हो सकता है। शेयर की मार्केट कैपिटल 38,000 करोड़ के आसपास है करंट 12 रुपए, 12.25 रुपए के सीएमपी के हिसाब से, जो कि अगर कंपेयर करूं जियो की 5.25 लाख करोड़, एयरटेल की 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। थ्रो अवे प्राइस पर ये शेयर फिलहाल मिल रहा है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के जिस तरह के फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह की ग्रोथ है, इंडियन पॉपुलेशन में जिस तरह से पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, टेलीकॉम यूजर बढ़ रहे हैं, नेटवर्क पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और इस सेक्टर में एंट्री बैरियर है, कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहते हैं उनके पास एक ही तरीका बचता है कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में स्टेक खरीद के वो उस बिजनेस में आए, जिस तरह से हमने देखा कि जियो में किस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेंड्स, यहां पर अब जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं उसका जो इंपोर्टेंस है वो इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब AGR का हैंगओवर खत्म हो गया है, तो अब इस बात के काफी ब्राइट चांसेस हैं कि जो न्यूज फ्लो आई है उन पर कंफर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है न्यूज आए और बाद में वो कंपनी उसको बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है और न्यूज गलत निकल जाए, कंफर्मेशन ना हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना आए। यहां पर इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं करंट के सिचुएशन को देखते हुए। वोडाफोन आइडिया एक ऐसा प्लेयर है जहां पर एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी स्टेक कोई फॉरेन पार्टनर खरीद सकता है। बाकी जियो में आपने देखा कि जिस तरह से किस रेट पर वहां वैल्यूएशंस पर वहां पर स्टेक सेल हुई है, उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया का शेयर एक जो है वेल प्लेस्ड है और यहां पर एक बड़ा इन्वेस्टर है, इस बात के चांसेस बहुत ब्राइट है। अब बात आती है फ्रेंड्स आगे क्या करना है। जिन्होंने ये स्टॉक 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी रेट पर लिया है, मेरे को लगता है कि पहले भी इसने 12, 12.5 का हाई बनाया था, जिन्होंने भी इसको रिसेंट पिछले 4-5 महीने में लिया है वो सब प्रॉफिट में होंगे। टेक्निकली पहला लेवल बनता है 16 रुपए का, उसके ऊपर जाता है, दूसरा लेवल बनता है 20 रुपए का। अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर कल ये न्यूज कंफर्म हो जाती है कि कंपनी जो है 20 से 25 हजार करोड़ रुपए रेज कर रही है या जो भी फंड का फिगर आती है, तो ये एक बिग पॉजिटिव है और स्टॉक एक सडन मूव यहां से दिखा सकता है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। जिन्होंने फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है 20,000, 30,000, 40,000 शेयर, जैसे कि मेरे को कमेंट सेक्शन में आता है, या फिर 5-6 हजार शेयर ले रखे हैं और उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उन्हें जब ये शेयर्स एक सब्सटेंशियल गेन मिले 17-18 रुपए, तो एटलीस्ट पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। ऐसा सोच के अफवाहों में मत फंसिए कि अब तो हो गया, 100 रुपए जाएगा, 200 रुपए जाएगा। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सारी चीजें अच्छी हो गई, फंड रेजिंग भी आ गया, फिर क्या टारगेट है। अगर चलो आज मैं आपको उस बात का जवाब देता हूं इतनी क्लियरिटी आने के बाद, अगर यहां सब कुछ इतना पॉजिटिव आ जाता है, मेगा फंड रेजिंग आ जाती है, तो अगर ये शेयर 35-40 के आसपास जाता है तो वहां इसकी मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी, जो कि आप मान के चलिए कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज वेल प्लेस्ड हो जाएगा, वहां से 2-3 गुना हो जाएगा। इस बात के को काफी टाइम लगेगा, फिर मार्केट फंडामेंटली देखेगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे आने वाले टाइम में, कंपनी का मार्केट शेयर कैसे बढ़ता है, वहां पर एक अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग लेवल आएगा अगर ये 35 के आसपास जाता है। पर अगर 20 रुपीज के आसपास आपको पहला मिले तो वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें और बची हुई क्वांटिटी के साथ होल्ड करें। अगर आपने लिया ही 1-1.5 साल के व्यू से तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग मत करें, आप लेके बैठ जाइए, अगले 1 साल में काफी बड़ा टारगेट ये स्टॉक आपको दे देगा। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने क्विक प्रॉफिट के हिसाब से लिया या बड़ी क्वांटिटी उठाई है, तो जब आपको सब्सटेंशियल प्रॉफिट मिले, आपका पैसा डबल हो रहा है, 2.5 टाइम हो गया, तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना हमेशा समझदारी का काम होता है और बची हुई क्वांटिटी के साथ बने रहे। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कल जैसे ही फंड रेजिंग को लेकर न्यूज आती है हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट के साथ में। वेल मान के चलिए फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया के लिए वर्स्ट ओवर हो चुका है, और अगर फंड रेजिंग का प्लान आता है तो जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया है वाकई में उनका काफी बड़ा पैसा आने वाले टाइम में शेयर में बन सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।